हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करंट गवर्नमेंट जॉब पे, जहां मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों कैसे हो आप सभी, आपके सामने फिर से पेश हूं एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर। तो दोस्तों राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट समय पर मिल जाए करें। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा लेकिन आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरा नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है। तो वीडियो पूरा देखें, आइए शुरू करते हैं वीडियो। बताना चाहूँगा कि जो भर्ती है ये निकाली है आपकी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन की डेट बताऊँ तो नोटिफिकेशन आपका आया है 4 तारीख को, देखिए 4 फरवरी 2022 को, और आज है 5 फरवरी। तो सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, जो रिक्रूटमेंट है आपकी टेक्निकल हेल्पर 3 की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो कंपनी के नाम आपको होता है, ये एक है आपको जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL, एक है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उसके बाद जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन से होते हैं, जयपुर में तो आते हैं आपके जयपुर, दौसालवर, भरतपुर, धौलपुर, छविमाधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी डिस्ट्रिक्ट। और अजमेर की बात करें तो अजमेर में आपके आते हैं अजमेर, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, नागौर डिस्ट्रिक्ट। अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में आते हैं आपके जोधपुर, बीकानेर, पाली, सिरोही, चूरू, हनुमानगढ़, सिरोही, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर डिटेल्स की बात करें तो अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो उसमें टोटल वैकेंसी है नॉन TSP में 1405 और TSP में 107, ठीक है दोस्तों, 107 वैकेंसी हैं। अब कैटेगराइज बात करें तो कंपनी का नाम बता दूं आपको, एक तो जयपुर में निकली है, एक जोधपुर में निकली है, अजमेर में इसमें वैकेंसी नहीं निकली है। जनरल में 370 वैकेंसी हैं नॉन TSP की बात करूँ, SC में 164, ST 124, BC में 216, MSC में 51, EWS में 103 है। अगर सारे की बात करें तो 4+3 है, 4 इस साल की और 3 जो है आपके बैकलॉग हैं जो कंप्लीट नहीं हुए थे। अगर एक्सर्विसमैन की बात करें तो 129 अब की और 86 बैकलॉग है, पिछले जो भर्ती में पूरी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई थी उसकी। आउटस्टैंडिंग की बात करें 21, BW की बात करें जो हैंडीकैप होते हैं उनकी 40, टोटल 1035 हैं जयपुर में। अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में आपका 135 जनरल, SC में 59, ST में 44, BC में 77, MBC में 18, EWS में 37, ठीक है, सारे में कोई वैकेंसी नहीं। एक्सर्विसमैन की बात करें तो 111 बैकलॉग है और 44 इस साल के। तो और आउटस्टैंडिंग के लिए 7, हैंडीकैप के लिए 15, टोटल 370 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल जनरल की बात करें तो 505 वैकेंसी है, SC में 223, ST में 168, BC में 293, MBC में 69, EWS में 144, सारे में 7, एक्सर्विसमैन के लिए 370 वैकेंसी है और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 28, PWBD के लिए 57, टोटल 1405 वैकेंसी है। अगर TSP की बात करें तो TSP में आपकी अजमेर में वैकेंसी निकली 44 जनरल में, SC में 4, ST में 35, एक्सर्विसमैन में 10, स्पोर्ट्स पर्सन में 1 और हैंडीकैप होते हैं में 4, टोटल 80 वैकेंसी है। अगर वहीं जोधपुर की बात करें नॉन TSP की तो 14 जनरल में, SC में 1, ST में 12, 3 एक्सर्विसमैन में 2, आपकी हैंडीकैप 27 वैकेंसी है। नॉन TSP में टोटल जनरल में 55 वैकेंसी, SC में 5, ST में 47, एक्सर्विसमैन 13, स्पोर्ट्स पर्सन में 1, हैंडीकैप में 6, टोटल 107 वैकेंसी हैं। आपकी हो गई वैकेंसी की बात, रिजर्वेशन जो आपको इस कैटेगरी के हिसाब से मिलता है उसमें दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट्स बात करें तो इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन का इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, मस्ट है इसमें क्या मांगा है आपका, कैंडिडेट्स मस्ट हैव सेकेंडरी, मतलब उन्हें CBSE बोर्ड से, RBSE बोर्ड से सेकेंडरी पास होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए अभ्यर्थी की, साथ ही साथ उसके पास होनी चाहिए ITI का सर्टिफिकेट, जो कि आपका NCVT का हो या फिर स्टेट लेवल का हो या फिर NEC का हो, ठीक है, या फिर उसके पास चलेगा आपका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द ट्रेड ऑफ, जैसे मतलब इक्विवेलेंट उसके बराबरी का कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि ट्रेड होनी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए आपका ITI, या फिर लाइनमैन या SBM में, या फिर वायरमैन या फिर पावर इलेक्ट्रिशियन में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने नोट दे रखे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग का या फिर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन जैसे BTEC वगैरह है भी है तो आप इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करते हैं ITI, NCVT और SCVT के लिए। तो आपके पास ITI होनी ही चाहिए। जहाँ तक एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 28 रखी गई है इसमें, और जिसकी गणना आपकी 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 के हिसाब से की जाएगी, 18 से 28 रखी गई है। अब इलेक्शन की बात करते हैं तो 5 साल का मिलेगा आपको SC का और ST का, ठीक है, और
आप अगर बैकवर्ड कास्ट मतलब बीसी से बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमी लेयर हो तो मिल जाएगा आपको, एमबीसी में मिल जाएगा, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर को मिल जाएगा और इकोनॉमिक और बीकर सेक्शन को मिल जाएगा। इन सबको उसमें 5 साल का दिया गया है, और जो डिसेबल होते हैं उनको भी 5 साल का दिया गया है। एक्स सर्विसमैन की लिमिट एज 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका रिजर्वेशन है एज बाई, इसमें ईडब्ल्यूएस में भी दिया हुआ है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में मिलता नहीं है, लेकिन दे रखा है इसमें, अच्छी बात है। 5 साल का फिजिकल फिटनेस तो नॉर्मल ही है उसका, मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही होनी चाहिए उनकी, कोई इसमें कोई फिजिकल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। जहाँ तक सैलरी का सवाल है तो सैलरी आपको मिलेगी जो आपका प्रोविजनरी पीरियड होता है 2 साल का, उसमें 13,500 मिलेगी, और वो कंप्लीट होने के बाद आपको लेवल 4 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 19,200 पर मंथ सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो उसमें 2 एग्जाम होंगे, एक होगा प्री, एक होगा मेन, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपके प्री के एग्ज़ाम होंगे, प्री का जो नंबर आएंगे, उनकी कोई वेटेज मार्क्स मेन के एग्ज़ाम में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि देयर शैल बी नो वेटेज ऑफ मार्क सिक्योर्ड इन प्री एग्ज़ाम फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर मेन एग्ज़ाम, तो उनके मार्क्स में जुड़ेंगे नहीं। जहाँ तक पैटर्न का सवाल है तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका जनरल, प्री का बता रहा हूँ मैं आपको, जनरल अवेयरनेस है, टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सिलेबस आपका मैथ आएगा, जनरल साइंस आएगी, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। सेकेंड आपका करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी आएगा आपका, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, वही राजस्थान का नॉर्मली जीके और, ठीक है, नेशनल जीके। 35 क्वेश्चन आएंगे आपके 35 नंबर के। और उसके बाद जो थर्ड है आपका करंट अफेयर्स आ गया, ज्योग्राफी आ गया आपका, मतलब इंडिया का आ गया, इसमें इकोनॉमिकल हिस्ट्री और कल्चर सोशल सारा 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। इसके बाद आपका जो ITI है ना, तो टेक्निकल स्किल्स के क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। उसके बाद जो टाइम रखा गया है, टाइम है 2 घंटे का टाइम इसमें दिया गया, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 50 टेक्निकल भी हो गए। अब मेन की बात करें तो ये आपका मेन है, मेन में 2 पार्ट होंगे, ए और बी, एक में होगा जनरल अवेयरनेस, बी में होगा आपका टेक्निकल का, ठीक है, जिससे भी आपने ITI कर रखी है उसके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें मोस्टली सेम ही है, लेकिन इसमें एग्जाम और क्वेश्चन बदल गए। इसमें जनरल साइंस के 5 आएंगे, मैथ के 5 आएंगे। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, कल्चर ऑफ राजस्थान, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। उसके बाद आप करंट जीके की बात करें, ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री और इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। पार्ट भी आपका टेक्निकल है, टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे जो कि बेस्ट आएंगे आपके ITI और NEC के, ठीक है, ट्रेड्स, जिस स्टेट से अप्लाई करोगे उस स्टेट्स के आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे का टाइम है और 150 नंबर के आएंगे, ठीक है। उसमें प्री और मेन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, ठीक है दोस्तों, 5 ऑप्शन होंगे क्वेश्चन के। और ये आपका बिलिंगुअल में होगा, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसमें लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इन प्री एंड मेन एग्जाम शैल बी कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, जितने भी ट्रेड्स हैं, जो भी ट्रेड हैं आपकी, इलेक्ट्रिशियन की, लाइनमैन की, SBA की, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रिशियन की, सारा कॉमन पेपर होगा प्री और मेन दोनों, ठीक है, टेक्निकल वाला। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कट ऑफ मोस्टली अराउंड 75 से ऊपर जाने के चांस हो रहेंगे इसमें। इसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं रखे हैं, ठीक है, देयर शैल नो बी मिनिमम पासिंग मार्क्स इन प्री एग्जाम, प्री एग्जाम में कोई नहीं है मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, लेकिन मेन एग्जाम में आपका 30% में रखा गया है। और जो रिजर्व कैटेगरी होती है SC ST और क्रिमिलियर, BC और नो एन उसकी EWS की होगी, MBC की होगी, उनको 5% में रियायत मिल जाएगी, ठीक है, 5% अगर नंबर कम है तो भी उनको रियायत मिल जाएगी। और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की बात करें तो 1.5 टाइम मतलब 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कहीं लिखा हुआ था 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, ठीक है, लिखा हुआ है। प्रीमियर जितने एग्जाम देते हैं उनसे जितनी वैकेंसी उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को मेन एग्जाम में बुलाया जाएगा बैठने के लिए, ठीक है, और 1.5 गुना को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम सेंटर की बात करते हैं, एग्जाम सेंटर राजस्थान में रखे जाएंगे जो कि रखे हैं, इसमें आपके जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और ऑल ओवर, ठीक है, ये रखेंगे। आप अपनी चॉइस से इन सेंटर्स को भर सकते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेंटर वो कहाँ देते हैं। और
और इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो हाँ फीस आ गया, फीस बहुत ज़्यादा है इसके। पहले ड्यूरेशन बात कर लेते हैं, फॉर्म आपके 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2-2.5 लाख से ऊपर है, उनकी फीस होगी 1200 रुपये, जिसमें GST इंक्लूड रहेगी, मतलब एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे आपको। 1200 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी की जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से ऊपर है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी आय 2.5 लाख से कम है, या फिर आप SC ST या नॉन क्रिमिलियर या MBC PWS से या हैंडीकैप हो, तो आपकी फ़ीस लगेगी 1000 रुपये। फीस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं ये लोग। पेमेंट भी आप 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फीस बता दी मैंने आपको, तो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है दोस्तों। बाकी तो कोई इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है नहीं, बाकी तो फ़ोटो अपलोड की है, सारी इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट वगैरह की है, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों ये था आपका अपडेट, और वीडियो थोड़ा लंबे हो गए लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।